नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 0111-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल DNA में। दोस्तों, दुनिया में कहीं ना कहीं रोज गाड़ियां लॉन्च होती हैं। उनमें से कुछ गाड़ियां हिट हो जाती हैं तो कुछ गाड़ियां फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन कुछ गाड़ियां ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेजोड़ नमूना होती हैं कि जो जब भी आती हैं तब अपने इनोवेशन से, रेवोल्यूशन से और उनमें कई सालों के आगे की एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जिन्हें लोग कभी नहीं भूल पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही दुनिया की टॉप 10 लीजेंडरी, आइकॉनिक और एग्जॉटिक कार्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने दम पर कई सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया है। और इन कारों के बारे में इस वीडियो में हम आपको कई सारे रोचक तथ्य यानी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताएंगे जिन्हें आप अभी तक नहीं जानते। तो चलिए जानते हैं उन 10 गाड़ियों के बारे में आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस लिस्ट में पूरी दुनिया में 10वें पायदान पर आई है पोर्शे की 356 स्पीडस्टर, जिसे पोर्शे की पहली प्रोडक्शन कार माना जाता है जिसे खुद फर्डिनांड पोर्शे ने डिज़ाइन किया था। कुछ लोगों का कहना ये था कि ये बीटल जैसी दिखती है, लेकिन इसे बनाने का मकसद स्पीड नहीं था बल्कि गर्मियों के मौसम में लोगों को क्रूजिंग का मज़ा लिया जाए। इसे 1950 से लेकर 1965 के दौर में लॉन्च किया गया था। उस जमाने में यह रियर माउंटेड इंजन के साथ आती थी जो कि एक 1.6 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन था जो कि 95 PS की पावर जनरेट करता था 5800 RPM पर विथ 124 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 4200 RPM पर अलॉन्ग विथ 4-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स विद अ मैक्सिमम टॉप स्पीड ऑफ 185 किलोमीटर पर आवर जो कि उस जमाने के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन फिगर्स माने जाते थे। इस लिस्ट में पूरी दुनिया में 9वें पायदान पर आई है दोस्तों सिट्रियन की DS। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाड़ी है। ये एक फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव एग्जीक्यूटिव कार थी जिसने 1955 से लेकर 1975 के दौर में धूम मचाई थी। अपने वक्त में इसे एक रेवोल्यूशनरी कार माना गया था बावजूद इसके कि इसके इंजन काफ़ी अंडर पावर थे। अपनी नई और रोमांचक डिज़ाइन की वजह से यह एक शानदार कार बन गई थी। उसने लोगों के दिलों पर कई सालों तक राज किया और 1999 में क्लासिक एंड स्पोर्ट्स कार मैगजीन द्वारा इसे मोस्ट ब्यूटीफुल कार ऑफ द ऑल टाइम के खिताब से भी सम्मानित किया गया था। ये गाड़ी 4 अलग अलग इंजन ऑप्शंस के साथ अवेलेबल हुआ करती थी 1.9 लीटर 2 लीटर 2.2 लीटर एंड 2.4 लीटर का इंजन अलॉन्ग विथ 3-स्पीड ऑटोमेटिक 4-स्पीड मैनुअल 5-स्पीड मैनुअल एंड 4-स्पीड सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती थी। इसका 2.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 101 PS की पावर मिलती थी 5500 RPM पर एंड 164 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता था 3000 RPM पर अलॉन्ग विथ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 175 किलोमीटर पर आवर। इस लिस्ट में पूरी दुनिया में 8वें पायदान पर आई है दोस्तों मैक्लारेन F1। ये लिस्ट इस कार के बिना कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। इसे ढेर सारे अलग अलग मटेरियल से बनाया गया था जैसे कि कार्बन फाइबर, टिटेनियम, गोल्ड, मैग्नीशियम और यहाँ तक कि केवलर भी। इसके बावजूद भी ये गाड़ी आज की अधिकतर सुपर कारों की तुलना में काफ़ी हल्की थी। इसका वजन मात्र 1138 किलोग्राम था। इसने सन 1998 में 387 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन कार का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। सन 1992 से लेकर 1998 के दौर में कंपनी ने इसकी केवल 106 कारें बनाई थीं जो कि एक रियर मिड इंजन रियर व्हील ड्राइव कार है जिसमें BMW का 6.1 लीटर V12 पेट्रोल इंजन आता था
जो कि 627 PS की पावर जनरेट करता था 7500 RPM पर एंड 650 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था 7500 RPM पर अलोंग विद 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स विद 387 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड के साथ में। इस लिस्ट में पूरी दुनिया में सातवें पायदान पर आई है दोस्तों BMW की 2002। इस कार के साथ में BMW ने एक एंट्री लेवल सेगमेंट में BMW कार लॉन्च करने की कोशिश की थी जिसे बेशुमार कामयाबी हासिल हुई। इसी कार ने एक्चुअली BMW को इंटरनेशनल कार मार्केट में एक नाम, एक रुतबा और पहचान दिलाई। इस गाड़ी को BMW द्वारा 1968 में लॉन्च किया गया था। इसमें 2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिला करता था जो कि 100 PS की पावर जनरेट करता था 5500 RPM पर विथ 157 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था 3500 RPM पर। इसमें 4 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता था। इसका वजन कुल मिलाकर 940 किलोग्राम का था और इसमें 171 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड क्लेम की जाती थी। इस लिस्ट में पूरी दुनिया में छठे पायदान पर आई है दोस्तों ऑडी की क्वात्रो। मुझे यकीन है कि आप सभी को पता होगा कि ये क्वात्रो ऑडी का 4-व्हील ड्राइव सिस्टम है जिसे वो आज भी अपनी कारों में यूज़ करते हैं। क्वात्रो मूल रूप से एक रैली कार थी जिसने अपने वक्त में बेशुमार सफलता हासिल की थी। ये कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पहली ऐसी कार थी जब किसी कार बनाने वाली कंपनी ने अपनी कार में 4-व्हील ड्राइव सिस्टम और टर्बोचार्जर को एक साथ मिलाकर बनाया था और ये प्रयोग बहुत ही सफल हुआ था। इस कार ने सन 1980 से लेकर 1991 तक लोगों के दिलों पर राज किया। इसका वजन कुल मिलाकर 1290 किलोग्राम से लेकर 1350 किलोग्राम तक था। इसमें 2.1 लीटर का 5 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिला करता था जो कि 200 PS की पावर जनरेट करता था 5000 RPM पर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था 1950 RPM पर, जिसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ में 230 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से टॉप स्पीड मिल जाती थी। इस लिस्ट में पूरी दुनिया में पांचवें पायदान पर आती है दोस्तों एस्टन मार्टिन की DB5। DB5 शायद पूरी दुनिया में या पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा रिकग्नाइजेबल कार थी और बेशक हम इसे जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की वजह से जानते हैं। ये अब तक की सबसे मोस्ट डिज़ायरेबल GT कार थी। 206 PS की पावर प्रोड्यूस करने वाली ये कार काफ़ी तेज थी और क्यों ना हो, जब एक फिल्म में कोई विलन आपका पीछा किए जा रहा हो तो इसे फास्ट भी होना चाहिए। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि ये कभी उन गैजेट के साथ नहीं आई जो हमेशा हम जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में देखा करते हैं। इसे सितंबर 1963 में लॉन्च किया गया था। इसकी कुल मिलाकर लगभग 1059 यूनिट्स बेची गई थी। इसमें आपको 4 लीटर का 6 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता था जो कि 286 PS की पावर जनरेट करता था 5500 RPM पर और 390 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता था 3850 RPM पर। इसमें 1465 किलोग्राम के वजन के साथ में 229 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड क्लेम की जाती थी। इस लिस्ट में पूरी दुनिया में चौथे पायदान पर आने वाली गाड़ी है दोस्तों फोर्ड की GT40। इट्स इनफेमस 1960s ले मैंस रेस विनिंग कार। हेनरी फोर्ड वास्तव में दिग्गज ले मैंस रेस में एक बेहतरीन कार चाहते थे। शुरुआत में उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा लेकिन अंत में फोर्ड GT40 ले मैंस रेस एक से ज़्यादा अधिक बार जीतने वाली पहली कार बन गई थी। एक्चुअली इसने ये रेस लगातार 4 बार जीती थी। अब तो ये कार इतिहास के पन्नों में पीछे चली गई है बावजूद इसके कि ये काफ़ी डिज़ायरेबल कार थी। इसे 1964 से 1969 के दौर में उतारा गया था जिसकी केवल कुल मिलाकर 105 यूनिट प्रोड्यूस की गई थी। इस कार का कुल वज़न 816 किलोग्राम था और इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ आपको 4.2 लीटर का V8 पेट्रोल इंजन मिल जाता था जो कि 355 PS की पावर जनरेट करता था 7200 RPM पर और 393 यानी कि 393 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता था 5600 RPM पर और इसमें आपको 265 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड को क्लेम किया जाता था। इस लिस्ट में पूरी दुनिया में तीसरे पायदान पर आई है दोस्तों लिंकन की टाउन कार। ये एक ऐसी पहली कार थी जिसमें फैक्ट्री फिटेड CD प्लेयर लगाया गया था। उससे पहले लोगों को कारों में कैसेट प्लेयर या फिर रिकॉर्ड प्लेयर से काम चलाना पड़ता था बट इस कार के बाद उनके पास अपनी पसंदीदा गाने की CDs पर सुनने का एक ऑप्शन इस बड़ी और शानदार अमेरिकन सेडान ने उनको ये अवसर प्रदान किया था। इस कार ने 1980 से लेकर सन 2011 के दौर में अपने जलवे दिखाए थे।
इसका वजन लगभग 1825 किलोग्राम तक था और इसमें आपको 4.9 लीटर का V8 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता था जो कि 212 PS की पावर जनरेट करता था 4600 RPM पर, विथ 366 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था 3400 RPM पर। साथ में आता था एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और इसमें आपको 180 किलोमीटर की प्रति घंटे की टॉप स्पीड को क्लेम किया जाता था। इस लिस्ट में पूरी दुनिया में दूसरे पायदान पर आने वाली कार है दोस्तों पोर्शे की 959। जब इस कार को 1986 में लॉन्च किया गया था तब इसे दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार माना गया था क्योंकि इसमें 317 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड को क्लेम किया गया था। ये एक स्पोर्ट्स कार थी और इसमें 1986 से लेकर 1993 तक अपने जलवे बिखेरे हैं। इसकी कुल मिलाकर 345 यूनिट्स प्रोड्यूस की गई थी। इसमें आपको 2.8 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल जाता था अलॉन्ग विथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, जो कि 450 PS की पावर जनरेट करता था 6500 RPM पर एंड इसमें 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता था 5000 RPM पर। इसका कुल वजन था 1558 किलोग्राम से लेकर 1590 किलोग्राम तक और इसमें 317 किलोमीटर की प्रति घंटा टॉप स्पीड को क्लेम किया जाता था। इसके कुछ वेरिएंट्स ऐसे भी थे जो 340 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को अचीव कर चुके थे। चलिए दोस्तों आगे मुड़ते हैं और बात कर लेते हैं इस लिस्ट में आने वाली सबसे आखिरी गाड़ी के बारे में। तो इस लिस्ट में पूरी दुनिया में नंबर वन के पायदान पर आती है दोस्तों बुगाटी की टाइप 57 SC एटलांटिक। ये कार अब तक की किसी भी कार का सबसे क्रांतिकारी डिज़ाइन माना गया था। इस कार के साथ आपको सबसे महंगी कार का प्राइस टैग भी मिल जाता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जिन बुगाटी जो कि कंपनी के फाउंडर के बेटे थे, ये कार उनकी ब्रेन चाइल्ड थी। उन्होंने इसके फ्लोटिंग ब्यूटीफुल और रेवोल्यूशनरी डिज़ाइन को बनाया था, वही इसके लिए जिम्मेदार थे। 1936 में इसे पेश किया गया था, उस वक्त इसका टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा क्लेम किया गया था जो कि 1936 के हिसाब से दुनिया की सबसे पहली फास्टेस्ट सुपर कार थी। इस कार के 6 साल के प्रोडक्शन में बुगाटी ने इसकी 710 यूनिट को प्रोड्यूस किया है उसके अलग अलग मॉडल रेंज के साथ में, लेकिन जो सबसे पहली 1936 की कार थी उसके केवल 3 ही यूनिट बनाए गए थे। इसमें आपको एक 3.3 लीटर का सुपरचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता था जो कि 200 PS की पावर जनरेट करता था 5500 RPM पर अलॉन्ग विद 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो कुल मिलाकर ये थी वो दुनिया की 10 टॉप मोस्ट आइकॉनिक एग्जॉटिक एंड लीजेंडरी कार्स। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।